Continental Shelf. Continental Shelf is a portion of continent that is submerged under an area of relatively shallow water. जो continental shelf होता है, आपने एक ocean के different zone के बारे में जब study किया था, तो हमने देखा था कि जो coastal का वो region जो submerged है under the water, that is submerged under the area with shallow water is called the continental shelf. तो आप एक जनरल लैंग्वेज में देख सकते हैं कि ये कोस्ट का वो रीजन है. कोस्ट का आपको देखो ये रीजन दिखा रखा है, ठीक है. इस रीजन में से जो आपका ये वाला रीजन है, ये क्या है, पानी से ढका हुआ है. और ये पानी जो है वो ज्यादा डीप नहीं है, शेलो वाटर है. उस पोर्शन को, उस पार्ट को हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ का नाम देते हैं. इट हैज़ फ्लैट सबमर्ज्ड एज ऑफ लैंड मास, इंक्लिन वेरी जेंटली सीवर्ड. अब आप देखेंगे इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत जेंटली जो हैं, लैंडमार्क ये लैंड एरिया है, ठीक है. इसके एजेस जो बहुत जेंटली जो है सीवर्ड, समुद्र की तरफ जो है, एट द एंगल ऑफ 0.1 डिग्री जो है, इस तरह से ये स्लोप होता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे बॉटम इज शैलो एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेव एक्शन. अब इसका जो बॉटम है वो क्या है, शैलो है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय वेव एक्शन. और आपको यहाँ पर ये वेव एक्शन जो है वो भी इजीली विजिबल है, ठीक है. अब आप देखेंगे आर कवर्ड विद यंग सेडिमेंट्स. इसमें जो क्योंकि पानी जो है कोस्टल एरिया से आता है, तो यहाँ पर आकर क्योंकि आप देखते हैं इंक्लिन्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा एंगल है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर सेडिमेंटेशन जो है वेव एक्शन के साथ जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है. जो कि इरोजन ऑफ कॉन्टिनेंट इन द फॉर्म ऑफ सैंड नियर द शोर, जो शोर है उसके पास आकर ये सेट हो जाते हैं. फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ को कहता है, अगर हम डेप्थ, फ्लैटनेस और उसकी जेंटल सीवर्ड टिल्ट को देखते हैं, तो डेप्थ जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है. और कहता है कि अगर लिमिटेड देखेंगे कि वाटर शैलो देन 150 मीटर तक जो है वो शैलो हो सकता है. फिर विड्थ की बात करते हैं, तो विड्थ जो है वो कहता है अबाउट 80 किलोमीटर या 50 माइल्स तक जो है वो डिस्कवर की गई है. ये आपको एक पिक्चर में दिखाया हुआ है जिसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो एवरेज विड्थ है वो 75 किलोमीटर और एवरेज जो स्लोप है 1.7 मीटर पर किलोमीटर, जो इसका टिल्ट है वो 0.1 डिग्री तक जो है वो टिल्टिंग हो सकती है. उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, तो ये हमारा कोस्टल जोन है और ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है. और ये सेल्फ के बाद स्लोप, राइज, ट्रेंचेस, एबिसल प्लेन, ठीक है, और ओशन रिज, ये सब पोर्शन जो है हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. और उसके बाद आप कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी देखो विड्थ जो है वो 100 किलोमीटर तक चली जाती है और 70 मीटर पर किलोमीटर जो है इसकी टिल्टिंग, यानी कि 4 डिग्री एंगल तक टिल्टिंग दिखाई देती है. फिर राइज में जब हम आते हैं तो उसकी टिल्टिंग जो है आप देखो और कम हो जाती है. यहाँ पर 0.1 डिग्री थी, फिर स्लोप में राइज हुई 4 डिग्री तक गई, और उसके बाद कहता है जब राइज में ये जो टिल्टिंग होती है ये कम होती है 0.05 डिग्री से 0.8 डिग्री तक चली जाती है. और फिर एबिसल प्लेन है जहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन एरिया जो है वो हमें विजिबल होता है. अब मार्जिन की बात करें, तो मार्जिन कहता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एबिसल प्लेन जो है हमारे, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं, ये एबिसल प्लेन है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैं, ठीक है. ये एक स्टीप कॉन्टिनेंटल स्लोप फॉलोड बाय फ्लैटर कॉन्टिनेंटल राइज, ये मार्जिन कहलाता है कॉन्टिनेंटल का, ठीक है. तो हमारा कॉन्टिनेंटल का मार्जिन ये है, ये एरिया जिसमें हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप जो है वो कवर हो जाता है.
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लोप जो है वो एक कॉन्टिनेंटल का मार्जिन का पार्ट होते हैं, और कॉन्टिनेंटल मार्जिन अगर हम देखते हैं वो बहुत स्मॉल पोर्शन को कवर करते हैं, अबाउट 8% ऑफ द टोटल जो ओशन का एरिया है। टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब वो बहुत वाइड हैं और शैलो सेल्स हैं, ठीक है, बहुत यानी कि जो टिल्टिंग रहेगी वो बहुत कम रहेगी और वो बहुत वाइड होंगे, ठीक है। और जो एक्टिव होंगे वो कहता है नैरो होंगे, फ्लो स्ट्रॉन्गली फ्लो आता है जिसके कारण वो नैरो हो जाते हैं और उनका जो सेल्व्स बनती हैं वो बहुत स्टीप बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है अबाउट 0.2 डिग्री परसेंट जो है टोटल वॉल्यूम को कवर करते हैं। उसके बाद कहता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होते हैं उसमें एक वर्ड आता है सेल्फ ब्रेक। ये सेल्फ ब्रेक क्या होता है, ये कहता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड होता है, ठीक, और वहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो वो जो पॉइंट है, वो जो एज है, वो कहलाता है रिमार्केबल यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ रफ 4140 मीटर। और ये कहता है कि जहाँ पर सेल्फ ख़त्म होगा और स्लोप शुरू होगा, ये वाला जो एरिया है ये सेल्फ ब्रेक कहलाता है। और ये ब्रेक कहता है अबाउट यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ अबाउट 140 मीटर तक की डेप्थ में, क्योंकि हमने देखा 50 मीटर शैलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है और वो टिल्ट करता हुआ, तो कहता है यहाँ अब जो है वो 140 मीटर पर हमें वो एज दिखाई देता है। और ये कहता है स्टीप स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होते हैं वो एकदम स्टीप होते हैं, देखेंगे आप बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा एंगल जो है उसका 4 डिग्री से 5 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है, और इनकी डेप्थ अबाउट 100 to 200 मीटर जो है वो दिखाई देती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप आर आइडेंटिफाइड बाई न्यूमरस, उसमें आप स्लोप में देखेंगे बहुत सारे एक सब मैराइन कैनियंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कहता है वर्टिकल पोर्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या है एक ट्रेंचेस सा बना हुआ है, उसमें क्या होता है कि जो डिपोजिशनल साइट्स हो जाते हैं, सेडिमेंट जो है जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से बहकर आते हैं, इनके सैंड मर्ड ग्रेवल जो है इसके अंदर सेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ से जब पानी मूव करता है तो यहाँ पर वो इरोजन करता हुआ चला जाता है, और सेल्फ ब्रेक ऑफ वाटर डेप्थ टिपिकली 300 to 400 मीटर। और ये कहता है जो कैनॉन है जो यहाँ पर सेल्फ ब्रेक से शुरू होकर 3000 to 4000 मीटर की डेप्थ तक जो है ये चले जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। फिर कॉन्टिनेंटल राइज जो होते हैं वो कहता है कि जब क्या होता है सेडिमेंट जो है ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं स्लोप से होते हुए जब वो जाते हैं, तो ये सेडिमेंट पाइल सेडिमेंट एट द बेस, स्लोप के बेस पर सेडिमेंट होने लग जाते हैं, और उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल राइज जो है ये फाइनल स्टेज होती है बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन की, ये हमारे जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये हमारा जो ओशन का पार्ट है इसके बीच की ये फाइनल स्टेज मानी जाती है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट एट द माउथ ऑफ सब मैराइन कैनाइन मे इनॉर्मस, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो सेडिमेंट कॉन्टिनेंटल स्लोप से होते हैं जब यहाँ पर गिरते हैं तो वो यहाँ पर आकर क्योंकि प्लेन एरिया शुरू हो जाता है इस तरह से वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे फैन लाइक स्ट्रक्चर में आप पानी एक बाल्टी लें उसमें खूब सारा जो है सैंड मिक्स कर दें, बहुत सारा जो मिट्टी जो है उसमें डालें, और उस पानी को जब आप ऊंचाई एक स्लोप से गिराएं तो आप देखेंगे कि जो जो आपके सैंड आपने या मड या जो भी मिक्स किया था वो क्या है स्लोप के बिल्कुल बेस पर क्या है फैन लाइक फॉर्म में फैल जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब मैराइन फैन, ठीक है, और वो यहाँ पर हमें कहीं दिखाई देता है।
राइज के अंदर, और कहता है ऑन बोथ द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ये हमारा जो राइज है और ये स्लोप है, इसके बीच में ये हमें दिखाई देते हैं। फिर आ जाते हैं एबिसल प्लेन। अब क्या हुआ कि ये फ्लैट रीजन शुरू हो गया, स्लोप के बाद राइज आया, राइज के बाद जो है हमारा फ्लैट आ गया, और ये फ्लैट जोन जो होता है ये कहता है सेडिमेंट जो भी लैंड से आ रहे हैं बेडिंग बना लेते हैं, सेडिमेंट की लेयर बन जाते हैं और डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पर एक टर्बिड करंट के कारण कहता है जो डिपोजिशन हो जाता है और वो हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सेडिमेंट जो है वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब टर्बिडिटी करंट क्या है, ये कहता है लूज होता है वेट सेडिमेंट टम्बल डाउन द स्लोप। कहता है कि जो सेडिमेंट्स हैं जो स्लोप से बहते हुए आते हैं वो क्या है, उनके द्वारा करंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी करंट। अब इसकी करंट की मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि वो अर्थक्वेक के द्वारा या ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा जो है जनरेट हुआ है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत स्पीड जो है उसकी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कहता है अबाउट 700 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। ठीक है, और ये कहता है स्पीड एंड रेंज ऑफ टर्बिडिटी करंट आर ट्रिमेंडस इरोजन। जितना ज़्यादा टर्बिडिटी करंट की स्पीड होगी, जितनी उसकी रेंज होगी यानी कि डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, वो कहता है वो उसी डिसाइड करेगा कि इरोजन की पावर कितनी है। अगर ये हाई ग्रेटर स्पीड देन 100 किलोमीटर जा रहा है तो, और 700 किलोमीटर, तो इसकी टर्बिडिटी जो है ट्रेमेंडस होती है, बहुत ज़्यादा इरोजन जो है वो दिखता है। अब जब कहता है करंट स्लो डाउन धीरे धीरे, क्योंकि स्लोप से आ रहा है धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब सी फ्लोर पर पहुंचता है तो सेडिमेंट जो है एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और ये बना देते हैं एबिसल फैन। जैसे कि हमने देखा कॉन्टिनेंटल राइज में फैन बन रहे थे, ठीक है, जिसको हमने सबमरीन फैन बोले थे, उसी तरह कहता है प्लेन एरिया, जब एबिसल प्लेन एरिया, यहाँ पर भी धीरे धीरे वो सेडिमेंट जो है अगर बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है तो यहाँ भी फैन लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं एबिसल फैन। आपने ये ध्यान रखना है अगर वो जो सैंड या जो सेडिमेंट मूव स्लोप से एकदम बेस पर आते हैं तो वहाँ पर सबमरीन फैन बनता है, और जब सबमरीन फैन को भी कर्व मतलब कि राइज को भी कवर करता हुआ नेक्स्ट जो प्लेन आता है दैट इज एबिसल प्लेन, वहाँ पर जब पानी मूव करता हुआ स्लो डाउन होता है तो वहाँ पर भी सेडिमेंट जो है एक तरह से कन्वर्जेंट टाइप में फैल जाते हैं, जिसको एबिसल फैन बोलते हैं। ठीक है, और ये कहता है लैंड टू डीप सी सेडिमेंट रूटिंग सिस्टम में टर्मिनाई होते हैं, यानी कि टर्मिनल पॉइंट होता है। फिर है फ्लोरा और फौना इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के अंदर कहता है क्योंकि लाइट है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट भी हैं, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेव्स भी हैं, ये सब जो हैं वो मोस्ट ऑफ द मैरीन जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ के सरफेस पे हमें, यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ में दिखने को मिलती है। अब यहाँ पर कहता है प्लांट जो हैं क्योंकि लाइट की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो उनका नंबर बढ़ जाता है, प्लांट क्योंकि सैलो वाटर है वहाँ पर और वो डिक्रीज सेल्फ है बट इट ग्रेजुअली डिक्रीज विद द डेप्थ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सनलाइट, और जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है कम होती रहती है, तो प्लांट की नंबर भी जो है वो कम हो जाते हैं, आपको इस रीजन में सबसे ज़्यादा दिखेंगे और धीरे धीरे जो है वो कम होंगे। अब एनिमल लाइफ की फौना की बात करते हैं तो 99% जो ओशन के अंदर फिशेस हैं वो अपना होम जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है हमारा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ प्लस में कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन दोनों का जो कलेक्टिव नेम है दैट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है इस रीजन में निडेरियन जेलीफिश मोलस्कास क्रस्टेशियन क्यूनिकेट्स बहुत ज़्यादा जो है, ये वो रीजन होता है जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है।
ठीक है, फूड चेन है क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, जहाँ प्रोड्यूसर हो जाएंगे वहाँ पर फूड चेन भी को वो सपोर्ट करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में हमें बहुत जो है फूड चेन भी नोटिस में आती है। इम्पोर्टेंस देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है कहता है रिच इन न्यूट्रिएंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ओशन और लैंड दोनों तरह से पानी आता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपने साथ लेके आता है। यहाँ पर कहता है स्पोर्ट डेंस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग बींग, क्योंकि न्यूट्रिएंट, लाइट, ऑक्सीजन सब जो है, टेम्परेचर भी जो है वो बहुत क्या कहेंगे टॉलरेबल, फेवरेबल होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन भी डेंस होती है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के देखें तो फिशरमैन जो हैं वो यहाँ पर अपनी